ममता त्यागी जी यूपी से स्वागत है आपका नमस्ते हाँ जी नमस्ते मैडम हेलो हाँ जी नमस्ते मैडम हेलो हेलो नमस्ते मैडम जी नमस्कार हाँ जी मैडम हकीम जी से बात करवा दो जी त्यागी बताएं क्या हाँ, सवाल है मैं नमस्ते है जी।, जी आपका एक तो बहुत बहुत धन्यवाद देना है जी इस को दर्द था घुटनों वगैरह में बहुत ज्यादा कमर में और उनको आराम है अब बिल्कुल ठीक हो गया वो सिया से मतलब अस्सी परसेंट तो आराम है उन्हें अब तो दिक्कत नहीं है जी बहुत बहुत मुबारक कहाँ से लिया था सिया गोंद असली आपके करोलबाग से मंगाया था जी अकीन जी वहाँ साहब है काकिल खान आपके जी उन्हीं से मंगवाया था जी अच्छा अच्छा, तो अच्छा और कोई सेवा तो पहले आराम जी जी पहले आराम नहीं हो रहा था, था जी यकीन जी लेकिन आपसे जब बात हुई और आपने बताया कि ये टॉयलेट वगैरह आपका इंग्लिश होना चाहिए और ये आपकी कुछ लापरवाही हो रही है तो इस बार बहुत आराम हो गया जी यकीन जी मैं तो बड़ा खुश तो... हो गया बहुत ही ज्यादा खुश हो गया त्यागी जी और देखिए हाँ हमारे साथ भी त्यागी जी बैठे हुए ये भी खुश हो गई अच्छा जी और कोई सवाल बताइए हाँ जी हाँ जी दिक्कत ये है कि जी इसके सीधे हाथ की तरफ जो सिद्धर वाला जबड़ा है ना जी मुंह का उसमें दर्द है कई साल से और उसमें आराम नहीं हो रहा बहुत ज्यादा उसमें आंखी बलती है और वो हल्का फुल्ला हुआ भी रहता है सूजन जैसे हो जाती है में और डॉक्टर को बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया जी और दो तीन दाढ़ भी उबाड़ दी उन्होंने डेंटिस्ट ने चक्कर में करने की शायद इसकी वजह से दिक्कत है कोई कह रहा है उसमें कुछ जबड़े में गैप आ रहा है कोई जोड़ में बताता है जी और रिपोर्ट सारी करा ली उसमें कुछ नहीं आता है जी जी क्या क्या आयु है आपकी पत्नी की ये, है ये साल ठीक है अच्छा देखिए एक तो ये कि <coughs> मेरा काम है आपको सच्चा मशवरा देना भगवान ने आपको फायदा दिया उसके नाम पे किसी गरीब की कुछ मदद जरूर करें ताकि भगवान भी खुश हो जाए नाम मेरा जरूर हो रहा है लेकिन मैं ना आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ ना फायदा मैं तो अपना जो अनुभव है वो शेयर करता हूँ अब आपको भगवान ने फ़ायदा दे दिया बहुत बहुत शुक्र करें और इसका प्रचार प्रसार करें अपने सब भाइयों में रिश्तेदारों में गाँव में दोस्तों में ससुराल में महके में उन लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए देखिए दुनिया बड़ी जालिम है और बताती नहीं फ़ायदा भी हो जाता है, तो लेकर बैठ जाते हैं आप ऐसे मत बनना आप सबको बताइए कि भाई फ़ायदा हो जाता है और मैंने कहा था कि आप सब्र रखें संयम रखें क्योंकि ये इलाज ही संयम रखने वाले का है अब मेरा काम ख़त्म हो गया आप जितना प्रचार प्रसार करेंगे इसका उतना ही लोगों को फ़ायदा होगा इतना ही भगवान खुश होगा तो मेरी तरफ़ से आपको ये निवेदन है कि असली चीज़ का खूब लोग नकली का वो करते हैं आप असली का करिए ताकि मैं भी खुश हो सकूँ और आपको भी कहीं ना कहीं पुण्य मिलेगा कि लोगों को रोग मुक्त होना चाहिए जितना आपका दायरा है जितना आपकी पहुंच है जिन लोगों तक भी वो रोग मुक्त होने चाहिए नहीं तो लोग बीस बीस तीस तीस साल से तकलीफ़ में है मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग ठीक हों ये नुस्खा अपने पास लिख के रखिए कैसे खाना है सबको समझाइए और मुझे बहुत ही अच्छा लग गया कि आपने मुझे फ़ोन करके बता दिया अब देखिए ये आप जानते हैं पेट्रोल जो स्कूटर में डालते ना पेट्रोल ये पेट्रोल वो कॉटन भिगो के अपनी पत्नी के जहाँ पर वो है ना जगह इम्प्रेस वहाँ पर ऐसे लगा के हटा लिया करिए रोज़ाना थोड़ा सा मुँह लटका लें ऐसा करके एक दिन में एक बार करें और तीन दिन लगातार करें बस और मूँ लटका लिया करें ऐसे वो लगा के पेट्रोल या स्प्रीड स्प्रीड जो डॉक्टर सीरीज पे ऐसे साफ़ करके आपके इंजेक्शन लगाता है ना वो इन दोनों में से कोई भी मिल जाए तो आप लगाएं और एक नुस्खा है आप चाहें तो उसे बना लें आ, सपिस्तान लिख लीजिए सपिस्तान उन्नाब अलसी सपिस्तान उन्नाब अलसी और आपके किचन के गरम मसालों पीपलें होती हैं वो सपिस्तान उन्नाव अलसी 100 सौ ग्राम और 30 ग्राम पीपलें आपके किचन के जो गरम मसालों में होती हैं आपकी पत्नी जानती होंगी पीपला मूल भी कहते हैं इसे वह तीस ग्राम बाकी चीज़ें सौ सौ ग्राम पाउडर बनाएँ और एक चम्मच सुबह खाली पेट निहार मुझे से कहते हैं खिलाएं छोटा चाय का चम्मच एक गरम गिलास पानी पिला दें और ऐसा आप एक दो महीने लगातार कर सकते हैं तो बिल्कुल देखिए आपको इतना फ़ायदा मिला है और बहुत खुशी होती है दर्शकों हमें ये सुन के ये जान के कि जो नुस्खे आपको हकीम साहब बताते हैं वो आपको रोग मुक्त बनाने के साथ साथ आपके मुंह पर एक मुस्कान आ जाती है कि हाँ यही वो ट्रीटमेंट था जिससे हम अभी तक चूक रहे थे तो ऐसे ही आप लोग भी दर्श को रोग मुक्त हो सकते हैं कार्यक्रम लाइव है लाइव आप लोग कोई भी रोग संबंधी अपना सवाल हकीम साहब से कर सकते हैं बात अगले कॉलर से सुदेश जी हैं पानीपत से स्वागत है आपका नमस्कार मैडम जी नमस्कार नमस्कार आजाद जय हिंद जय हिंद सर मेरा सवाल है मेरे पति गड्ढाकूदते वक्त गिर गए थे वो आर्मी में है और उस दिन हमने सवाल किया था लेकिन आपने जवाब बताया था टीवी में कुछ खराबी हो गई थी इस वजह से हम सुन नहीं पाए और उनके एक घुटने में दर्द रहता है कटकट -कट की भी आ जाती है और थोड़ी सूजन भी आ जाती है दवाई खाते हैं तो आराम हो जाता है फिर वही शिकायत फिर शुरू हो जाती है एक साल हो गया अच्छा वो फौज तो, में है या रिटायर हो गए कितनी उम्र है उनकी उनकी सैतालीस अड़तालीस साल है फौज में ही है अभी रिटायर होने वाले है जु, जु, जुलाई में ठीक है ठीक है, है।, है अच्छा देखिए आप लिख लें देखिए उनको आपको देना है गौंद गौंद हम कहते हैं अपनी भाषा में इसे आसान भाषा में काला गोंद कहते हैं। ये फौजियों के भी बड़ा काम आता है क्योंकि फ़ौज में जो ट्रेनिंग होती है उस वक्त तो पता नहीं चलता लेकिन बाद में बड़ी तकलीफ़ होती है बुढ़ापे में तो सिया यानी काला गोंद असली मिलना ज़रूरी है नकली बहुत मिल रहा है तो ये देखिए पंद्रह सोलह रुपये रोज़ का इलाज है एक काला गोंद जो काले रंग का होता है जायके में कड़वा होता है लेकिन इसकी जगह लोग एलवा दे देते हैं कोई कुछ दे देता है कोई कुछ देता है ये एलवा नहीं है ये कोई और गोंद नहीं एक अलग टाइप का गोंद है जो अगर आपको असली मिल गया तो पंद्रह सोलह रुपये रोज़ का इलाज है एक ग्राम रोज़ाना खाना होता है आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम और फ़ायदा ये पाँच सात दिन बाद करता है लेकिन ये रोग की जड़ पर काम करता है अभी आप टी देख रहे थे तो एक त्यागी जी का फ़ोन आया था किस कदर उनकी पत्नी को फ़ायदा हो गया जिसको भी असली मिल गया उसको रोगमुक्त होना मुमकिन है असली देना आपकी ज़िम्मेदारी आधा आधा ग्राम दिन में दो बार खिलाएं। सौ ग्राम भी असली मिल गया तो फ़ायदा होना मुमकिन है तो दर्शकों देखिए जो भी रॉ मटेरियल आप लोगों को हकीम साहब यहाँ पे बता रहे हैं अगर आप लोग वो मंगवाना चाहते हैं तो हकीम साहब की कंपनी से मंगवा सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अगर मार्केट में आपको कहीं भी कोई भी रॉ मटेरियल दिखता है चाहे वो गॉन्सिया हो ग मोरिंगा हो जैतून का सिरका हो एलोवेरा का सिरका हो या फिर जैतून का नमक हो कलौजी का नमक हो तमाम ये रॉ मटीरियल अगर कहीं भी आपको मार्केट में मिलते हैं सबसे पहले क्वेरी कर लीजिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कि जो आपके पास रॉ मटेरियल है क्या ये असली है या नकली है बिना पहचान किए आप लोग इसका सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप लोग इसका सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर वो नकली हुआ इसलिए मैं बार बार आप लोगों से दर्शकों कहती हूं कि कॉपी पेन लेके बैठिए एक एक बात को नोट डाउन कर लीजिए कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर ट्वेंटी फोर आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं हकीम साहब आप जो गौन्सिया का जिक्र यहां पे करते हैं जो कि हर एक ऐसे व्यक्ति को मतलब अपने पैरों पे खड़ा कर देता है जो कि ना तो चल पाता था दर्द से दिन रात वो लड़ता रहता था और किसी ना किसी और का सहारा लेके उसे उठना पड़ता था गौनसिया का इस्तेमाल एक क्वांटिटी में करना क्यों जरूरी है क्योंकि अगर इसका अत्यधिक सेवन कर लिया जाए क्या उसका नुकसान भी हो सकता है और गौन सिया तो एक ऐसा है जो बहुत तेज है बिल्कुल लेकिन कभी हम हल्दी ज़्यादा यूज़ कर लो वो भी नुकसान दे सकती है नमक भी ज़्यादा नुकसान दे सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है बिल्कुल हर चीज़ नुकसान दे देती है पानी भी नुकसान दे सकता है अगर हद से ज़्यादा खा लिया जाए खाना भी नुकसान दे सकता है तो क्योंकि ये तो दवा का मामला एक रॉ मटेरियल है काश पूरे हिंदुस्तान को असली मिल जाए लोग नकली बहुत दे रहे हैं अब इसकी डिमांड विदेशों से इतनी आ रही है लेकिन इसका असली होना बहुत ज़रूरी है और दुबई में इसकी बड़ी ज़रूरत है खाड़ी के मुल्कों में अमेरिका तक इसकी डिमांड है असली की पहचान जिनको है उन लोगों को फ़ायदा होना मुमकिन है जी रामनाथ जी यूपी से स्वागत है आपका हाँ हकीम साहब से बात करना मैडम जी रामनाथ जी आदाब जय हिंद बताइए क्या सवाल हमारा शुगर है ब्लड प्रेशर है हार्ड है अच्छा अगर मैं आपको एक ही ऐसी चीज बता दूं जिससे आपके तीनों रोग बल्कि और इससे भी ज्यादा कोई रोग ना हो तो आप मेरे लिए दुआ जरूर करना दुनिया में एक सिरका जिसे जैतून का सिरका कहते हैं अगर असली ले लें आप तीन चम्मच सुबह दोपहर खाने के बाद पानी में मिला के पी लिया करिए तीन चम्मच रात को इससे आपके ये तीनों रोग कंट्रोल होना मुमकिन है डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हार्ट और कोलेस्ट्रॉल पेट की परेशानी लीवर की परेशानी और बहुत सारी परेशानियों के लिए फालिज वाले लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसे असली इस्तेमाल करें और फायदा उठाएं मेरी दुआ है कि आपको फायदा हो जाए जी जी पठानकोट से हैं संजीव कुमार जी। स्वागत है आपका नमस्कार जी जी नमस्कार मेरा नाम संजीव जी ठीक है मैं अपनी माता के लिए पूछना चाहता हूँ पूछिए जी संजीव भाई जी। मेरी माता के ना दांत के ऊपर थोड़ा जैसे खटा खटा बन गया जी पूरे दांत में क्या के? बन गया खड्डा जी थोड़ा थोड़ा उनकी उम्र उनकी उम्र कोई पचपन साल जी अच्छा देखिए ये तो काम कैल्शियम और मल्टीविटामिन का है हर तीसरे या चौथे दिन एक कैल्शियम मल्टीविटामस की टैबलेट या कैप्सूल उनको दिया करें और इंतज़ार करें अच्छा ये वो लोग भी लें जो 40 45 साल के हो चुके हैं और जिनको कोई रोग नहीं है तो उनकी हड्डियों के लिए उनकी दांतों के लिए उनकी मसूड़ों के लिए उनकी जिस्म की मज़बूती के लिए हर उस शख़्स को लेना चाहिए चाहे वो रोगी है चाहे नहीं है रोग पैंतालीस साल के बाद लेनी अच्छा है अगर कोई रोग ना हो वो मजबूती से पूरी ज़िंदगी गुजार सके इसके लिए कैल्शियम और मल्टीविटाम्स अभी उनको हर चौथे दिन दीजिए फिर बाद में एक एक हफ्ते में एक गोली ज़रूरी है जब तक जीवन है ये लेना एक लाभ लाभप्रिय कार्य है आप उनसे ले सकते हैं मेडिकल स्टोर वालों से आपको फायदा होना मुमकिन है तो संजीव जी फायदा आपको जरूर हो जाएगा अगर आपने एक एक बात लिख ली है समझ ली है अगर रॉ मटेरियल आपको मंगवाना है तो आपको करना क्या है हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं शिकायत दर्ज को एक ही हो सकती है आपको कि रॉ मटेरियल अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है दस दिन हो जाते हैं पंद्रह दिन हो जाते हैं लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और आपके घर तक हम असली रॉ मटीरियल ही पहुँचाते हैं अब डिमांड ज़्यादा होने की वजह से आप लोग शिकायत कर देते हैं कि अभी तक नहीं पहुँच पाया है लेकिन एक बात समझिए कि मार्केट में जो आप लोग असली नकली में पहचान नहीं कर पाते हैं जल्दबाजी में कोई भी रॉ मटेरियल आप लोग ले लेते हैं तो वो आपको लाभ नहीं देंगे तो इतमान रखिए थोड़ा सा सही रखिए और इंतजार थोड़ा सा कर लीजिए आपके घर तक असली रॉ मटेरियल पहुंचा दिया जाएगा जिसके लिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं